पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को कौन समझाए, वो गोहाना की जलेबियों की अमेरिकी में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी गारंटी लेने की बात करते हैं, वो पहले हिमाचल में सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा आरक्षण को लेकर राहुल गांधी स्थिति को स्पष्ट करें, जबकि भाजपा ने भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया है। राहुल गांधी के माध्यम से एक नया शब्द भारत की राजनीति में आया, खटाखट खटाखट खटाखट। हम कहते हिमाचल में वादा करके आए थे सभी महिलाओं को 1500 देंगे पर महीना, खटाखट नौकरी देंगे, खटाखट। आज महिलाएं पूछ रही हैं फटाफट कहां गए हमारे पैसे। और हिमाचल की वित्तीय स्थिति ये है कि वहां मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि हम सभी अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे और कर्मचारियों को भी तनख्वाह 2 महीने बाद मिलेगी। तो खटाखट का ये हाल है उनके फिनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देख रहा हूं यहां भी रोज रोज नए नए वादे किए जा रहे हैं। खटाखट कितना वादा कर रहे थे देखें, 2000 रुपये महिला बना। राहुल गांधी जी, मैं आपको सावधान करता हूं, कृपया करके हरियाणा की महिलाओं के साथ छलना, धोखा देना, फरेब करना बंद करिए। अगर आप हिमाचल की बहनों को दे नहीं सके तो कृपया करके यहां बोलना बंद करिए। ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। राहुल गांधी जी, ये देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, कैमरा हो, आपकी एक एक बात रिकॉर्ड होती है और आपका टेस्ट भी होता है। तो बोलिए उतना ही लिखा कर सकते हैं आप। और अगर आप 1500 रुपये हिमाचल में नहीं दे सके तो यहां कहां से दीजिएगा, यह आपकी सरकार। तो ये जो अनुत्तरदायी वक्तव्य है, जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का है और विशेष रूप से हरियाणा की प्यारी बहनों की आंखों में, बंद करें। राहुल गांधी, प्लीज स्टॉप प्लेइंग फ्रॉड ऑन द वुमन ऑफ हरियाणा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं।